मध्य प्रदेश राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर अपनों में घिरी कांग्रेस और बीजेपी। रुस्तम सिंह का इस्तीफा, क्या कह रहे हैं नेता। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव के बीच टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संकट में घिर गई है। सोमवार यानी 23 अक्टूबर को ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को कई जगहों पर पिछले दो दिनों से कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को लिखे लेटर में सिंह ने कहा कि वे बीजेपी की सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह को यूपी की पूर्व सीएम मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मुरैना सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि रुस्तम सिंह मुरैना में अपने बेटे के लिए प्रचार करने के लिए बीजेपी छोड़ सकते हैं। रुस्तम सिंह कौन है? ग्वालियर चंबल क्षेत्र के प्रभावशाली गुर्जर नेता रुस्तम सिंह ने 2003 में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। वह 2003, 2008 और 2013-2018 तक दो बार विधायक रहे। वह 2003, 2008 और 2015-2018 तक दो कार्यकाल के लिए मंत्री भी रहे। मध्य प्रदेश में 230 सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव 17 नवंबर को होने हैं। विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस से टिकट पाने में नाकाम रहे। उम्मीदवारों के समर्थकों ने रविवार यानी 22 अक्टूबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी राज्य की 230 सीटों में से 228 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने 229 कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भोपाल में पूर्व बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के समर्थकों ने वीडी शर्मा के सामने नारे लगाए। इस दौरान समर्थकों ने भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से पार्टी प्रत्याशी बनाए गए भगवान दास सबनानी को बदलने की मांग की। वहीं भोपाल दक्षिण पश्चिम से बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने वीडी शर्मा को लेटर लिखकर उमाशंकर गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारने की मांग की। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार माने जाने वाले बीजेपी नेता मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने रविवार को सिंधिया परिवार के जय विलास पैलेस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वे गोयल को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पैलेस के गेट तक आए और कहा कि वे गोयल के साथ हैं। पिछले 5 दिनों से कांग्रेस खेमे में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन। बड़नगर से मौजूदा कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने मोरवाल को टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बड़नगर से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह सोलंकी को बदलने की मांग की। समर्थकों ने बड़नगर से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह सोलंकी को बदलने की मांग की। भोपाल के गोविंदपुरा और विदिशा के कुरवाई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के घर के बाहर सोमवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। दिग्विजय सिंह क्या बोले? पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक के नीचे मंडल सेक्टर और बूथ पर हम लोग पहुंचे। इतनी तैयारी हमारी 2018 में नहीं थी क्योंकि कमलनाथ को सिर्फ 5 महीने ही मिले थे। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी जो कि आज है। हर कोई सोचता है कि मैं ही सही उम्मीदवार हूँ। टिकट देने से पहले पहली बार जिला स्तर तक के कांग्रेस अध्यक्षों से बात तक की। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतने पारदर्शी तरीके से कभी पहले चयन नहीं हुआ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।